तो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज का कुछ हमारा सीन है, अभी तक कोई ऐसा कोई सीन नहीं है, लेकिन अभी सीन बनाएंगे हम कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। अभी तो फिलहाल मुझे व्हाट्सएप ने कॉल करी है और मैं जा रहा हूँ व्हाट्सएप के पास। एक्चुअली मैं व्हाट्सएप की ना ओमान की टिकट होगी और वो कुछ दिन बाद जा रहा है वापस, और मैंने सोच रखा है उसे कुछ सरप्राइज देने के लिए। तो आज मैंने उसके लिए कुछ सरप्राइज प्लान कर रखा है, तो अब मैं जाऊंगा वो सरप्राइज लेके आऊंगा। मेरा एक दोस्त है, मुझे उससे कुछ सामान मंगाना है। आप लोगों के लिए भी सरप्राइज है कि मैं उसे क्या दे रहा हूँ। वो काफी दिन से मेरे से बात कर रहा था कि कुछ ऐसा मुझे चाहिए, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि हाँ मैंने भी कुछ ऐसा देखा था उसके लिए। और ये देखो, ये बात नहीं मानता, ये फिर आ गया यहाँ पे। अबे भाई चला जा, जा चला जा अंदर ही, घुसना आगे रूम में जा। ऐसे ही आता रहता है बीच बीच में ना, जब भी मैं आप लोगों से बात करता रहता तो ऐसे बीच बीच में आता रहता है। तो मेरा एक डीलर है, मैंने उससे कुछ सामान मंगवा रखा है, तो मुझे उसके पास सामान लेने जाना है। फिलहाल तो मुझे व्हाट्सएप ने कॉल करी है, वो बाहर खड़ा हुआ है, मैं उसके पास जा रहा हूँ। कह रहा है कि भाई ऐसे ही ग्राउंड लगाएंगे। मैंने कहा ठीक है चलो मैं आ रहा हूँ। इस वीडियो को हम यहीं पे शुरू कर लेते हैं। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त विकेट सनी। जैसे मैं घर से बाहर निकला ना, ये अपनी मम्मी के साथ खेल रहा है। इसकी मम्मी है, इसका नाम फ्लफी है और इसका नाम रखा मैंने रेयर। ये आठ भाई थे, आठों के आठों, आठ में से सात मर गई है और रेयर बचा है, क्योंकि ये रेयर है ना बेचारा। कभी कभी ना कोई प्लान नहीं बनते तो प्लान बनाने पड़ते हैं, तो ऐसे ही आज हमारा कोई प्लान नहीं है, हमें प्लान बनाना पड़ेगा। फैशल भाई भी नए नए लुक करते रहते हैं, कभी ड्रेड लॉक्स, और आज फैशल भाई ने कुछ अलग ही बरमूडा स्टाइल कुछ अलग पैंट पहन लिया। मतलब रणवीर सिंह को एक अलग ही टक्कर दे रखी है फैशल भाई ने। What's up man? हाँ जी, क्या हाल है? आज में चश्मा मेरा रह गया। अभी हमारा कहीं जाने का कोई इरादा नहीं है, बस ऐसे ही अपना एक छोटा सा राउंड मार के आ रहे हैं, फिर बनाएंगे उसके बाद क्या सीन है आज का। वैसे सीन आज का ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, आज हमारी शायद कल के लिए प्लानिंग होगी कि कल क्या सीन है। गाइस आपसे ना एक बात करनी बहुत जरूरी है। पता है लाइफ में ना आपको डीमोटिवेट करने वाले बहुत मिलेंगे, तो कभी कभार ऐसा होता है कि मुझे मोटिवेट करने वाले भी बहुत मिलते हैं और डीमोटिवेट करने वाले भी बहुत मिलते हैं। तो हो जाता है कभी कभार जब कोई अपना ही डीमोटिवेट करता है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लगता है कि ऐसा क्यों। लेकिन चलो कोई बात नहीं, छोड़ो उस चीज़ को, और आप अपनी जो आप काम कर रहे हैं उसमें बस करते रहो, आपको रिज़ल्ट इंशाल्लाह ज़रूर मिलता है। ये बात मैंने नोटिस करी है, जो चीज़ आप चाहोगे ना, एक बार जब वो करना शुरू कर दोगे ना, तो आपको रिज़ल्ट पक्का मिलेगा, उसमें पक्का मिलेगा। तो करने दो, दुनिया को जितना भी डीमोटिवेट कर रहे हो तुम्हें, तुम अपने आप को अपने से मोटिवेट करो। ऐसे लोगों के लिए ना सिर्फ मैं एक बात कहना चाहूँगा, हर दिन एक नई शुरुआत होती है, सुबह के बाद फिर रात होती है और फिर नई शुरुआत होती है। तो गाइस अभी जा रहा हूँ मैं एक डीलर के पास, मुझे व्हाट्सएप भाई के लिए कुछ सरप्राइज लेना है जो उन्हें आज देना है मुझे। अभी तो वो गए हुए हैं अपने रिश्तेदारी में, तो जब वो आ जाएंगे तब उन्हें दूंगा वो सरप्राइज और आपको दिखाऊंगा उनका क्या रिएक्शन रहेगा। सीरियसली बताऊं, मुझे तो बहुत पसंद आया, अब देखता हूं व्हाट्सएप के क्या रिएक्शन रहते हैं, उसे दूंगा वो सरप्राइज और देखूंगा उसे कैसा लगता है कैसा नहीं लगता है। मुझे जहां तक उम्मीद है उसे बहुत अच्छा लगेगा, पसंद ही आएगा उसे। अभी जा रहा हूं मैं ऑफिस पे और देख लेता हूं थोड़ा बहुत काम, देख लेता हूं, काफी दिन हो गए हैं मुझे, मैंने वहां पे गया नहीं हूं मैं, तो अब जाके देखता हूं थोड़ा बहुत काम। जब काफी दिन बाद मैं ऑफिस पे जाता हूं ना, तो डैडी के रिएक्शन ही कुछ अलग होता है, कहते हैं कि भाई आ गया, अपनी मर्जी का मालिक है, जब चाहे ऑफिस आना है जब चाहे नहीं आना है ऑफिस। तो अभी जाऊँगा, अब देखता हूँ डैडी का क्या रिएक्शन है। कहते हैं जब जैसे ही मैं एंट्री करता हूँ, डैडी कहते हैं आओ मालिक आओ। नमस्कार नमस्कार। अच्छा देख लो, वही वाह, ट्राई करके देख लो आज चाइना वाला गिफ्ट। वाओ अल्टीमेट यार, ओ थैंक यू भाई, थैंक यू। फैशल भाई ये ना मेरे लिए एक जबरदस्त चीज लाए हैं, मतलब मुझे, मैंने काफी ढूंढा, मुझे लोअर मिल नहीं रहा था यहाँ पर कहीं ना आसपास कोई अच्छा सा लोअर, और फैशल भाई ने दिया मुझे ये वाला लोअर, तो मजा आ गया। अब मतलब इतने दिन हो गए यार, कसम से मैंने शॉपिंग भी नहीं करी थी है? वैसे तो मैं करता रहता हूँ शॉपिंग, लेकिन खैर कोई नहीं। लेकिन ये देखो लोअर कितना बढ़िया, अब ये मतलब पहन के दिखाऊंगा कि कैसा लग रहा है कैसा नहीं। अभी फिलहाल में से अभी नहीं ट्राई करता, बाद में ट्राई करूंगा, बाद में दिखाऊंगा। कल मैं जिस मैकेनिक के पास गया था फोग लैंप लगवाने के लिए, तो आज मैं उससे मिला हूँ, तो खैर वो अपनी गलती मान रहा है, कह रहा है कि कोई बात नहीं भाई, मेरे से गलती हो गई है और मैंने आपकी बात नहीं मानी, आपकी बात नहीं सुनी। तो चलो खैर गलती हो जाती है इंसान से, अगर कोई अपनी गलती मान ले तो वो बहुत बड़ी बात होती है।
तो खैर मैंने अपनी लाइट तो सही करवाई ली थी। यही बात होती है, बस इंसान को अपनी गलती मान लेनी चाहिए। उसने अपनी गलती मान ली, वो बहुत बड़ी बात है। सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज। असल में ऐसा हुआ कि गाड़ी का जो मिरर है, मिरर के नीचे एक कवर होता है, वो थोड़ा सा हिल रहा था, तो मैं आ गया हूँ भाई की शॉप पे। और अभी फिलहाल देख रहे हैं हम उसे लगा के। अब एलपी का मेथड नहीं समझ आता इन लोगों के कि एलपी का क्या मेथड है। अब ये भाई कह रहा है कि एलपी का ये मेथड है कि एलपी लगाने के बाद अगर एक बार टूट गया तो उसे नया ही लेना पड़ेगा। क्यों है सही? तो ये जो कवर है ना यहाँ का, यहाँ का कवर टूट गया था तो लगवा रहे अभी फिलहाल। शुक्रिया मोइन भाई। गाड़ी कैसी लगी? बढ़िया, एकदम बढ़िया। बढ़िया लगी। आप भी ये सोचते होंगे कि बार बार ये गाड़ियों में कुछ ना कुछ काम कराता ही रहता है। एक्चुअली में ऐसा है, जब हम इसमें घूमते हैं ना, थोड़ी बहुत कमियां आती रहती है, तो उन्हें उसी टाइम पूरा करवा ले तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि अगर हम उस टाइम नहीं करवाएंगे, कोई बड़ी कमी आ जाए फिर ज्यादा दुख होता है। छोटी मोटी कमियां आती है, उन्हें उसी टाइम पूरा करवा लेनी चाहिए। सो गाइस, काफी दिन बाद सर्विस के बाद मैंने इसे आज स्टार्ट करी है। मैंने सोच रहा हूँ कि आज इसकी थोड़ी सी राइड कर लेता हूँ, अभी अभी स्टार्ट करके तो इसकी राइड लेते हैं। अभी मैं फिलहाल इस पर राइड करके आया हूँ, और इसकी खास बात यह है कि इसे कहीं भी लेके अगर रुक जाता हूँ ना, तो भीड़ लग जाती है बहुत ज़्यादा इसे देखने के लिए। लोग वहाँ पूछते हैं कि भैया कौन सी बाइक है, कौन सी बाइक है, क्योंकि इसकी लुक ही कुछ इतनी खतरनाक है ना, भीड़ लग जाती है। इसे जिधर से भी लेके निकलो ना, एक बार तूफान मचा देती है। अभी मैंने सर्विस के बाद इसकी एक राइड ले ली, क्योंकि काफ़ी दिन बाद मैंने, यार ऐसा है ना कि अगर थोड़ा थोड़ा चलाते रहो ना तब भी सही रहती है, अगर सर्विस करवाओ, सर्विस करवाने के बाद इसे खड़े कर दो तो बाइक खराबी होती है। बोलू अपडेट, बिस्किट खा रहे हो तुम लोग? लस्सी सारे खा रहे हो? So guys, आज तो WhatsApp मिला नहीं मुझे, क्योंकि वो अपनी रिश्तेदारी में गया हुआ है। तो पूरा दिन मैं उसका वेट करता रहा कि आज उसे सरप्राइज दूंगा, जो मैं उसके लिए कुछ लेके आया था। तो आज तो वो आया नहीं, तो अब उसे वो जो सरप्राइज दूंगा मैं अगले व्लॉग में दूंगा। तो आपको वो देखना है अगले व्लॉग में कि मैं उसे क्या सरप्राइज देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर खत्म करता हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि मैं आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस लाता रहूं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।